कहीं पर गन्ने का रस तो कहीं शरबत पीते लोग। ये जुगत है चिलचिलाती गर्मी और लू से बचने की। लगातार बढ़ते पारे के बीच लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से तो पहली बात तो है हम अपने जो नेसेसरी काम है वो कर नहीं पा रहे हैं। कोचिंग्स और स्कूल वगैरह का बहुत लॉस हो रहा है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गर्मी के बचने के लिए हम भी गमछा बांधकर बाहर निकले थे, दर्शन करने गए थे। वहाँ पर इतना मतलब चप्पल निकाल कर दर्शन करना पड़ता है, इतना तेज जमीन जल रहा है कि आदमी दर्शन भी नहीं कर पा रहा है सही से। इधर शबील लगी, हम शबील पी रहे हैं। आज पारा बहुत ही इधर हाई आ रहा है। इस बार मोटरसाइकिल पर मैं आया हूँ, ऐसे लगता है जैसे जल गया शरीर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में कई जगहों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। गर्मी बढ़ने का लोगों की सेहत पर भी असर पड़ा है। अस्पतालों में लू लगने से बीमार पड़ने वालों के साथ डायरिया और पीलिया से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमारे पास पीजीआई में मरीजों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। अभी बढ़ते टेम्परेचर के साथ हमारी लगभग हर रोज की ओपीडी जो है 7000 से क्रॉस कर गई है। ऑलमोस्ट 2000 तक मरीज हमारे ज़्यादा बढ़ गए हैं गर्मी आते ही। फिलहाल बढ़ते तापमान और लू की समस्या को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली और गुजरात में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, आने वाले कुछ दिनों तक यही हालात बने रहने का भी अनुमान जताया है। ये गर्मी का मौसम बना रहेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो तापमान अभी बने हुए हैं इसमें 2 से 3 डिग्री की जो है इजाफा हो जाएगा और फर्दर बढ़ जाएगा। और जो हीट वेव कंडीशंस हैं वो सीवियर हीट वेव कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसी के अनुसार हमने कहीं ऑरेंज और कहीं रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी किया हुआ है। फिलहाल गर्मी झुलसाने पर आमादा है, ऐसे में पहनावा और खान पान में बदलाव ही इस गर्मी में कुछ राहत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।